मम्मा ध्यान कर देगा ना आपकी हेल्प, वो तो खेल रहा है, वो पढ़ भी नहीं रहा। बेटा वो मेरा लड़का है, मेरा जो कुछ भी है वो उसी का तो है। तेरी सोच तो बहुत छोटी है। ये कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं है मम्मा, जो हम आपसे सीखे। फोन आ रहा है, वो छुट्टी के लिए कह रही है। इतना सारा काम है, मैं सारा काम अकेले कैसे करूंगी? अनन्या किताब छोड़, तू ऐसा कर मेरा ना हाथ बटवा, मेरे साथ काम करवा। तू ऐसा कर, तू झाड़ू कर ले और शनाया तू पानी पोछा लगा लियो। मम्मा बोले पढ़ रही हूँ, नेक्स्ट वीक हमारे पेपर्स हैं। मम्मा सियान कर देगा ना आपकी हेल्प, वो तो खेल रहा है, वो पढ़ भी नहीं रहा। हाँ सियान थोड़ी ना करेगा बेटा झाड़ू पोछा, वो तो एक लड़का है, लड़के थोड़ी ना करते हैं। और तूने कौन सा पढ़ाई करके कलेक्टर बन जाना है, बड़े होकर संभालना तो तूने अपना घर ही है ना। चल अपनी आंखें मत खराब कर, आ जाओ काम करे। Later. चलो लड़कियों जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी करो। अरे ये फालतू का मेरा बेटा थोड़ी ना करेगा, जा ना जाके देख कौन है बाहर। अरे सियान इधर आ बेटा, ये देख मैं तेरे लिए गन लेकर आया हूँ। वाह पापा मजा आ गया। लेकिन हम सियान के लिए लास्ट वीक ही तो गिफ्ट लाए थी। अरे बेटा वो मेरा लड़का है, मेरा जो कुछ भी है वो उसी का तो है। और हम आप हमारे गिफ्ट नहीं लाए? तुम लड़कियां हो, अगर मैं गिफ्ट्स के पैसे तुम्हारे पे खराब कर दूंगा तो तुम्हारी शादियों के लिए पैसे इकट्ठे कहाँ से करूंगा? दादी पापा हम तो बड़े होकर अपना करियर बनाएंगे। करियर? पुनीत, पुनीत। हाँ जी रमी। ये उल्टी सीधी पट्टियां तुमने पढ़ाई हैं इन्हें? अरे अरे मैं क्यों सिखाऊंगी इनको ये फालतू बातें। देखो लड़कियों तुमने पढ़ाई में जो टाइम पास करना है कर लो, मगर तुम्हारे को झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना बनाना सब कुछ आना चाहिए और तुम्हारे लिए सीखना बहुत जरूरी है। मम्मा पर आजकल की सारी गर्ल्स अपना करियर बना रही है। वो हमारी लड़कियां नहीं करेंगी, जो लड़कियां अपना करियर बनाने निकलती है ना उनका घर नहीं बसता। ये क्या बात हुई मम्मा? बेटा तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये पढ़ाई लिखाई में अपना टाइम वेस्ट कम किया करो और घर के कामों में मम्मा की हेल्प किया करो। Later. अच्छा सुनो, आज ना बाय चांस राजमा थोड़े कम बने हैं तो तुम दोनों ना चावल के साथ चीनी खा लेना। लेकिन क्यों मम्मा, जितने भी राजमा बने हम सब थोड़े थोड़े बांट के खा लेंगे। बेटा तुझे तो पता है ना सियान के राजमा फेवरेट हैं, तो उसे अच्छे से खा लेने दो। ये क्या बात हुई मम्मा, हम क्यों नहीं खाएंगे? जबान मत लड़ाओ नान्या, लड़कियों को ही लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैं जब तुम्हारी उम्र की थी ना
तो कितने कितने दिन तक मैं रोटी और अचार के साथ ही खा लेती थी, क्योंकि ये सोचकर कि मेरे बाकी घर वाले अच्छा से पेट भर के खाना खा ले। ये कोई अच्छा एग्जांपल नहीं है मम्मा, जो हम आपसे सीखे। लड़कियां क्यों मुझे कॉम्प्रोमाइज करें? ये नहीं तो बेटा, कम से कम मेरे से तमीज से बात करना तो सीख लो। अगर आप गलत बात करोगे तो मैं आपसे ढंग से कैसे बात कर पाऊंगी? श्राया, तूने मम्मा को कुछ क्यों नहीं बोला? दीदी, अगर मैं कुछ बोलती भी तो मैं क्या बोलती? मम्मा कैसी बातें करती हैं? हम गर्ल्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गर्ल्स ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज करें। हाँ दीदी, हमेशा हम ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? हम ही हमेशा ये कहे कि चुप करा दिया जाता है कि हम गर्ल्स हैं, हमें यही मानना पड़ेगा। ये क्या बात हुई श्राया, कोई बॉयज हमारे से सुपीरियर थोड़ी ना है। गर्ल्स और बॉयज सेम ही होते हैं, तो उन्हें हमसे ज्यादा आराम क्यों दिया जाता है? हाँ बात तो सही है, सियान सारा दिन आराम करते रहता है और न्यू टॉयज भी उसी को ही मिलते हैं। एग्जैक्टली। और हाँ, मम्मा तो सियान से कोई भी काम नहीं करवाती, हमेशा हमसे ही काम करवाती हैं। लेकिन खाना दोनों बॉयज और गर्ल्स खाते हैं, तो बनाए हमेशा गर्ल्स ही क्यों? बात तो ठीक है, अगर गर्ल्स अपना करियर बना सकती हैं तो बॉयज खाना क्यों नहीं? मम्मा पापा के हिसाब से तो गर्ल्स का करियर बनाना ही गलत है। हाँ वही तो प्रॉब्लम है। हाय पुनीत, कैसी हो? हाँ पूना, मैं ठीक हूँ, तू सुना? सुन, मैं कल प्रिया की सारी फ्रेंड्स को ब्रेकफास्ट पे बुला रही हूँ, तो तू अनारस नायक को भी भेज दियो। यार ब्रेकफास्ट पे, वो दोनों ब्रेकफास्ट पे तो नहीं आ पाएंगी। पर क्यों? यार आजकल ना मेरी मेड नहीं आ रही, तो सुबह ना ये दोनों लड़कियां मिलके मेरा साथ काम करवा देती हैं। क्या छोटी छोटी लड़कियों से घर का काम कराती हैं? अरे छोटी कहाँ है, वो बड़ी हो गई हैं। और अच्छा ही है ना, इसी बहाने ये घर का काम भी सीख जाएंगी, क्योंकि आगे जाके तो इनको यही करना है। बात है पुनीत, मुझे लगता नहीं था तू काफी ब्रॉड माइंडेड है, पर मैं गलत थी। तेरी सोच तो बहुत छोटी है। तेरी बातें सुन के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो 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 पूनम, कमाल है भाई, क्या हो गया? मैं पूनम से बात करी थी, मैंने उसको बताया कि दोनों लड़कियां आजकल मेरे घर में हाथ बटा रही हैं, तो मुझसे चिढ़ी गई। ये ब्रॉड माइंडेड लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता। जब उनकी अपनी बेटियां ना ऑफिस के चक्कर काट रही होंगी सुबह से लेकर रात तक, और उनका घर संभालने वाला कोई भी नहीं होगा। खैर छोड़ो तुम, मैं सियान को आइसक्रीम खाने लेके जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मगर लड़कियों के लिए मत लेकर आना। पिछले महीने जब शनाया को आइसक्रीम खिलाई थी, उसका गला खराब हो गया और फालतू में इतना डॉक्टर का खर्चा हो गया। अरे हाँ बाबा, याद है मुझे, मैं कौन सा लड़कियों के लिए यहाँ पे लाने लगा हूँ कुछ। ठीक है, और मेरे लिए चौको, मेरे लिए तो कम से कम आइसक्रीम ले आते। The next day. मामा पापा, क्या हम अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पर जा सकते हैं? कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। क्यों मामा, आपने हमें पिया के घर पे नहीं भेजा था? हाँ तो अब हम तुम्हारी फालतू की पार्टीज पे खर्चा नहीं कर सकते। पर क्यों मामा? मामा हम क्यों नहीं जा सकते? तुम जाओ बेटा, तुम्हें किसने मना किया जाने से? लेकिन मम्मा, अगर सियान जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते? देखो जी, पहले तो बड़ी बहन की जबान कैंची की तरह चलती थी, अब छोटी भी करने लगी है। तुम कान खोलकर सुन लो, तुम दोनों लड़कियां हो, तुम इधर उधर फालतू की जगह पे नहीं घूमने जा सकते। हाँ तुम दोनों लड़कियां हो, घर पे रहो, घर का काम करो। अगर तुम लड़का होती तो कहीं भी जाती, जो भी करती, अपनी मर्जी करती, तो फिर तुम्हें लड़का ही होती। तंग आ गई हूँ कुर्बानी दे देकर, लड़की होना तो मेरे बाप ही बन गया है। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। ट्विन टेलीपैथी आइसक्रीम संडे चैलेंज लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS 1313 फूडी पे। बहुत ही यम्मी संडेज बने थे मेरे बेटे का।